सो इससे पहले अभी हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक है ये समाप्त हो रहा है और यहाँ पर मैंने आपके सामने इसकी समरी लिखी है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, वन हाफ ऑफ द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ रिडक्शन। सो ओवरऑल दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। हमने टॉप पर क्या लिखा है, समरी आपके चैप्टर की या आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की यहां पर आ गई है। तो सबसे पहले टॉप पर क्या लिखा हमने, रिडॉक्स रिएक्शंस। एज यू नो द रिडॉक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फर्स्ट हाफ इज व्हाट ऑक्सीडेशन एंड इन रिडॉक्स रिएक्शन द सेकंड पार्ट इज रिडक्शन। ओके सो कम टुवर्ड्स द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस थ्री वे में की थी। हमने स्टार्ट में कहा था कि वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनिंग द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वन वाज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड द सेकंड वाज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। अब वो सारी डेफिनेशंस का यहां पर क्या है, समरी है। सो बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन पर, सम अप कर रहे हैं। हमने ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। अब ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, द सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज। मैंने क्या कहा, जब एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है, We said this is oxidized. कोई भी substance जब loss करता है electron को, कोई भी substance जब oxygen को add करता है, कोई भी substance जब hydrogen को release करता है, हम उसको कहते हैं it is said to be oxidized. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, the substance to be oxidized. जो oxidize हो रहा है, वो क्या करेगा? First of all, according to the electron transfer concept, the definition is there. The loss of electron, any substance which releases electron is said to be oxidized. And the loss of electron is called oxidation. तो example हमने discuss की थी कि when sodium, here sodium loses electron, it results in the formation of sodium ion plus, means only one electron is released. Okay? It means there कि sodium releases electron and it is said to be oxidized now. It is said to be oxidized now. फिर हमने दूसरी डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन की पढ़ी थी वो क्या थी, द गेन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल्स हमने बहुत सारी डिस्कस की थी, वी डिस्कस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वी अगेन डिस्कस दैट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, टू मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हुआ, सल्फर के साथ हमने एक और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, सिंपली द डाइऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू ट्राइऑक्साइड एंड अगेन द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। फिर हमने एक और बात की थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि आप किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को भी निकाल दें तो वो भी क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन है। एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि जब अमोनिया को रिएक्ट करो क्लोरीन के साथ, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ N2+6HCl, कि नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यू कैन चेक हियर कि फ्रॉम व्हिच सब्सटेंस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। हाइड्रोजन कहां से जा रहा है, ऑब्वियसली अमोनिया गैस से जा रहा है, यहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, सो नाउ अमोनिया इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड नाउ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ अब ऑक्सीडेशन में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि इंक्रीज इन, व्हाट डज इट मींस कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज ऑक्सीडेशन द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अकर्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स। So you can check here and add again sodium की example दूंगा, the oxidation state was zero here. Now in sodium ion it is plus one. या मैं ये कहूँ in calcium in free state the oxidation state is zero. But when it is oxidized Cm+2, its oxidation number is increased. Increase in oxidation state take place. तो क्या होगा, हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए, सो ऑब्वियसली इट इज सेड बी ऑक्सीडाइज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स। सो हम क्या कहते थे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स। ओके कमिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हमने कहा द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस द
the sorry the oxidizer is a substance but itself get reduced is called oxidizing agent. And the examples we discussed was potassium dichromate K2Cr2O7 is the molecular formula. And another example of oxidizing agent is sodium dichromate Na2Cr2O7. Sodium dichromate also exists as oxidizing agent. Potassium dichromate is a strong oxidizing agent. As at the same time, potassium permanganate having a molecular formula K4 is also a strong oxidizing agent. So here is a test for ऑक्सीडेशन. अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन हुई है किसी रिएक्शन में. हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है. एक्चुअली ये कलरलेस होती है. जब आप इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट से सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे. ओके नो सॉरी नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हमारे पास हमें इसकी ऑक्सीडेशन करनी है. सो ऑब्वियसली आप इसको किससे ट्रीट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही करेंगे. जब आप इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये ट्रीट करेंगे तो क्या कलर लेस सॉल्यूशन क्या हो जाती है, ब्राउन. तो हमारे पास क्या हो गई है ऑक्सीडेशन. हमारे पास कलर चेंज से बता सकते हैं क्या पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन हुई है. इसी वजह से हमारे पास इसका कलर लेस सॉल्यूशन क्या हुआ है, ब्राउन या येलोश ब्राउन कलरेशन इसने प्रोड्यूस की है. सो नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द रिडॉक्स इक्वेशन और द रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिडक्शन. सो समिंग अप द टॉपिक, coming towards the first definition of the reduction according to the electron transfer concept, हमने कहा whensoever any atom gain electron, any substance gain electron, it is said to be reduced. It is said to be reduced. तो हमने यहाँ पर एक example discuss कर लेते हैं. Chlorine plus one electron, when chlorine atoms gain electron, it results in the formation of chloride ion. So इसमें chloride ion बना लिया. So the gain of electron take place. It means that now the chlorine is reduced. According to the electron transfer concept, chlorine is reduced. Coming towards the next definition, this is the classical concept. This is the classical concept. Classical concept क्या कहते हैं जी? के loss of oxygen from any substance. The loss of oxygen from any substance is called reduction. तो आपकी बुक में हमने एक example discuss की 2-mercury oxide. It results in the formation of Hg2Hg+O2. So the loss of oxygen takes place from the mercury oxide. Mercury oxide से आपने क्या किया? Oxygen को remove कर दिया. और क्या बन गया? Mercury plus oxygen. So what happens? क्या हुआ? Reduction हो गई ना? According to the classical oxygen concept, the loss of oxygen from any substance is called what? Reduction. Okay. अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था रिडक्शन का कि द गेन ऑफ हाइड्रोजन, द गेन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट एक्चुअली कॉल्ड रिडक्शन. कि जब भी आप किसी सब्सटेंस पे हाइड्रोजन को ऐड करते हो वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है. और ये रिएक्शन क्या है, ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन. अगर आप किसी रिएक्शन का रिवर्स कर दें यूजिंग कॉमन सेंस, कि आप बार बार एग्जाम्पल्स को ढूंढने के बजाय आप मैंने अभी बता दिया जब एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, उसी रिएक्शन को आप उलट करके लिखते हैं. सो ऑब्वियसली दिस विल बी फॉर रिडक्शन. अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, HCl का रिएक्शन करवाऊँ नाइट्रोजन के साथ तो क्या हो जाएगा, 2NH3 + 3Cl2. वट दिस इज रिडक्शन. नाउ वी आर एडिंग हाइड्रोजन क्रॉस नाइट्रोजन. सो सिंपली ऑब्वियसली दिस इज रिडक्शन. ओके अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, decrease in oxidation states. तो हमने इससे पहले भी बार-बार discuss किया, again and again we are discussing what there, whenever there is reduction there is decrease in oxidation state. तो यहाँ पर वो पीछे वाली हमने जो इससे पहले reaction example पढ़ी थी कि the copper oxidation state was +2 and the zinc oxidation state was 0, but later on copper was reduced to 0 and zinc was oxidized to +2. Okay. तो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर पे हुआ. कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में चली गई. सो कॉपर इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स. अगर मैं यहां पर ये क्लोरीन वाली एग्जांपल डिस्कस कर दूं, सो हियर इट वाज द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 बट हियर इट इज -1. दिस इज यस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो व्हेनेवर द रिडक्शन टेक प्लेस the decrease in oxidation states occurs, the decrease in oxidation number occurs. Actually oxidation number mein decrease aa raha hai. So ab hum sab kar rahe hain topic ko, ki yahan par wo likh raha hai ki reduction kis tarah ho rahi hai. Yahan pe reducing agents
हमारे पास रिडक्शन कॉज कर रहे हैं। अब हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको पता चलेगा कि रिडक्शन कैसे हुई है। अब हमारे पास रिडक्शन इस तरह हुई है कि अगर आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोमेट की सॉल्यूशन को यूज करें किसी भी रिएक्शन में जिसमें रिडक्शन हो रही है, तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम डाइक्लोमेट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑरेंज टू ग्रीन। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमारे पास आपके डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं और वो किस बेस पे आएंगे, इसी समरी के बेस पे कि व्हेन सोएवर अगर आपसे पूछा जाए देयर इज अ रिएक्शन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू C+O2, नाउ टेल अस देयर कि व्हिच प्रोसेस अकर्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ ऑफ दीस, नन ऑफ दीस, आपने ये बताना है। फिर आपने ये भी बताना है कि यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है। व्हाट इज द आंसर, द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑब्वियसली द ऑक्सीजन इज एडिंग अक्रॉस द कार्बन। या फिर आपसे पूछा जाए कि व्हिच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, कार्बन और ऑक्सीजन, द कार्बन इज ऑक्सीडाइज, व्हाई द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द कार्बन। अगर इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन दी गई हो, द सोडियम गिव्स अस सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट हैपेंस, इज देयर एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देयर इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो द लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड द क्वेश्चंस कैन बी गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस कांसेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थैंक यू ऑल फॉर द ऑफिस।